हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस वीडियो है कि कल बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो लास्ट 2 डेज से बैंक निफ्टी साइडवाइज मार्केट में थोड़ा सा भी मोमेंटम नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगा तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम 45111 के अपसाइड ही आ सकता है, जो कि ये लेवल है। इसके अपसाइड ही बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आएगा, वरना बैंक निफ्टी ऐसे ही साइडवाइज रहेगा। यहाँ पर डाउन साइड के लिए लेवल देखें तो 44788 का लेवल है, जिसके डाउन साइड ही बैंक निफ्टी में एक बेयरिश मूव बन सकता है, वरना मार्केट इस रेंज में है जो कि 45111 से लेकर 44788 के लेवल में है। तब तक बैंक निफ्टी एक साइडवाइज मार्केट रह सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी 45111 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 45255, सेकेंड टारगेट होगा 45399 और थर्ड टारगेट होगा 45533 का। ये तीनों टारगेट हमें अपसाइड के लिए होंगे अगर मार्केट 45111 के लेवल को ब्रेक करता है तो। आज मार्केट ने ट्राई तो किया था 45000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए, बट फिर से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम देके एक ट्रेडिंग सेटअप बनाकर फिर से डाउन साइड आ गया। अगर मार्केट 44788 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 44600 का, सेकेंड टारगेट बनेगा 44433 का और थर्ड टारगेट बनेगा 44277 का, जो प्रीवियस लो भी है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक नहीं करते तो हमें कोई भी साइड मोमेंटम मिलेगी नहीं, और इस रेंज के अंदर मार्केट ओनली सिर्फ एसएलए हिट करेगी, फिर चाहे वो बायर्स का हो या सेलर्स का हो।